हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ज्विटर आयन क्या होता है, कैसे वो फॉर्म होता है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी PI क्या होता है। आइए सबसे पहले देखते हैं ज्विटर आयन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड जो होता है वो सॉल्यूशन में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स इन सॉल्यूशन। ये जो पहली फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, इस पहली फॉर्म को हम बोलते हैं एसिडिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। इसको हम एसिडिक फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये COH है, ये भी एसिड है, ये H प्लस को रिलीज कर सकता है, और जो NH3 प्लस है ये भी H प्लस को रिलीज कर सकता है, और जो H प्लस को रिलीज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एसिड। तो एसिडिक फॉर्म में दोनों के दोनों जो ग्रुप्स होंगे दे विल एग्जिस्ट इन एसिडिक फॉर्म, यानी दोज फॉर्म्स विच आर इजिली विच विल इजिली रिलीज एच प्लस। अब देखिए ये जो सेकेंड फॉर्म, इस सेकेंड फॉर्म में दोनों के दोनों जो ग्रुप है दे आर बेसिक। इस फॉर्म को बोलते हैं हम बेसिक फॉर्म। अब आप ध्यान दीजिए ये बेस क्यों है। तो CO नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है। सिमिलरली NH2 में N भी अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। तो इस केस में दोनों जो ग्रुप्स हैं बोथ ऑफ देम आर बिहेविंग लाइक अ बेस, तो इसलिए इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, बेसिक फॉर्म। और ये जो थर्ड फॉर्म है, ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं न्यूट्रल फॉर्म। इस फॉर्म में एसिडिक ग्रुप भी है, ये ग्रुप है एसिडिक जो एच प्लस को रिलीज कर सकता है, और ये है बेसिक ग्रुप जो एच प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन एच प्लस को दे सकता है। अब इसको हम न्यूट्रल फॉर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेट नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ वो कितना हुआ, जीरो चार्ज हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर आयनिक स्पीसी बनती है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस आयनिक फॉर्म को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयनिक फॉर्म इज अ फॉर्म विच इज ओवरऑल न्यूट्रल बट कैरीज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। अब पॉइंट की बात यह है कि किन कंडीशंस में कौन सी फॉर्म डोमिनेट करती है, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें ये एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जब बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जब न्यूट्रल फॉर्म यानी ज्विटर आयन फॉर्म डोमिनेट करेगा, तो ये अपने को जानना है। तो देखिए, जब पीएच की वैल्यू काफ़ी लो होती है, लेट अस से पीएच की वैल्यू जीरो है, सिस्टम के अंदर पीएच की वैल्यू अगर जीरो है तो जो मीडियम होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो ऐसे केस में एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। तो आपने जाना एसिडिक फॉर्म कब डोमिनेट करती है, जब मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी मीडियम में बहुत ज़्यादा एच प्लस अवेलेबल होता है। तो एच प्लस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एच प्लस रिमूव ही नहीं हो पाएगा। अब बेसिक फॉर्म की बात करते हैं, मान लीजिए पीएच की वैल्यू है 12-13 इस तरह से, यानी मीडियम बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर मीडियम बेसिक होगा तो यहाँ पे जो COO माइनस है उसको H प्लस कहाँ से मिल पाएगा, ये COO माइनस की फॉर्म में ही रहेगा। और अगर इसके H प्लस एक्सेप्ट करता भी है तो बेस इसके H प्लस को वापस निकाल के इसको CO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली NH2 को भी H प्लस कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में बेसिक फॉर्म डोमिनेट करती है, एसिडिक मीडियम में एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करती है। अब मान लीजिए पीएच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास, 7.3 मान लेते हैं सॉर्ट ऑफ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये COOH जो है ये H प्लस लूज भी कर सकता है और NH जो 2 है वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी दोनों बिहेवियर यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो पीएच की वैल्यू जब मिड में कहीं होगी तो ऐसे केस में एम्फोटेरिक बिहेवियर विल बी शोन। ये वर्ड आपने पहले भी शायद सुना होगा, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इज शोन। तो जो COOH है उसने H प्लस को लूज किया है, तो COOH ने एक तरह से अपना कौन सा बिहेवियर शो किया, एसिडिक बिहेवियर शो किया, और NH2 जो है उसने क्या किया, उसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तो उसने अपना कौन सा बिहेवियर शो किया, बेसिक बिहेवियर शो किया। तो अगर पीएच की वैल्यू मिड में कहीं लाई करेगी तो ज्विटर आयन जो होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा बनेगा। पर अब ये एक स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू नहीं है जो हमने यहाँ पर लिया, वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम निकालेंगे वो जानेंगे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या मतलब है। सबसे पहले हम जानते हैं आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब। तो देखिए, आइसो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सिस्टम की वो पीएच की वैल्यू है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम डिनोट करते हैं P स्मॉल कैपिटल I,
ये एक्चुअली इट इज अ पीएच वैल्यू विच इज व्हेन अप्लाइड इट सिस्टम, जिस समय पे ज्विटरायन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, यानी सेम चार्जेस होंगे। जैसे ज्विटरायन की अगर बात करें तो ज्विटरायन कुछ ऐसा होता है, और अगर इसको देखें तो इसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसी को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसी। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसी है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच की वैल्यू है, वो पीएच की वैल्यू है जिस समय पे ज्विटरायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो उस बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए इस केस में जो एनएच थ्री प्लस है इसका पीकेए2 वैल्यू जो है वो 9 है, अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहे हैं, और जो एसिड है इसका पीकेए2 वैल्यू, पीकेए1 वैल्यू इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें दो तीन केसेस लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले सिस्टम में पीएच की वैल्यू हमने रखी 2, तो ऐसे केस में जो सीओएच है इसके रिस्पेक्ट में ये 2 जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी जब इसका पीके वैल्यू 2 है तो ऐसे केस में जब पीएच की वैल्यू सिस्टम में हम 2 अप्लाई करेंगे तो 2 के रिस्पेक्ट में 2 क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ, ना तो एसिडिक ही हुआ ना ये बेसिक ही हुआ। यानी सीओएच दो फॉर्म में इक्वली एग्जिस्ट करेगा, एक तो एग्जिस्ट करेगा सीओओएच में और एक एग्जिस्ट करेगा सीओ माइनस में। अगर ये सीओएच वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ओवरऑल ये फॉर्म रहेगी कौन सी, एसिडिक फॉर्म रहेगी, और अगर ये रहता है सीओ माइनस में तो फॉर्म विल बी ज्विटरायन। तो हम एक बात कह सकते हैं कि एट पीएच इज इक्वल टू 2 जितना सीओएच फॉर्म रहेगा उतना ही सीओ माइनस फॉर्म रहेगा, यानी जितना एसिडिक फॉर्म रहेगा उतना ही ज्विटरायन रहेगा। तो पीएच की वैल्यू जब 2 है तो 50% एसिडिक फॉर्म है अप्रॉक्सीमेटली एंड 50% ज्विटरायन होगा। अब अगला केस लेते हैं। मान लीजिए सिस्टम में पीएच की वैल्यू कितनी है, 9 के इक्वल है, यानी पीके 2 के इक्वल है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में एनएच 3 प्लस को देखें तो ये पीएच 9 क्या होगा, एक तरह से न्यूट्रल लेवल हो जाएगा। यानी एनएच 3 प्लस क्या शो करेगा, एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा, बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। अगर ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो इट विल रिमेन इन दिस एनएच 3 प्लस, लेकिन अगर ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा तो ये एच प्लस को लूज करके क्या कर, सॉरी एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो ये एनएच 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा एनएच 3 प्लस का दो बिहेवियर, एक बेसिक और एक एसिडिक, तो ये दो फॉर्म में इक्वली एग्जिस्ट करेगा। यानी जब पीएच की वैल्यू 9 होगी तो दो फॉर्म कंप्लीटली एग्जिस्ट कर सकती है। 9 पीएच पे ये एग्जिस्ट करेगा ऊपर वाला सीओ माइनस में, और ये एग्जिस्ट करेगा या तो एनएच 2 में या एग्जिस्ट करेगा एनएच 3 में। यानी पीएच 9 पे भी 50% जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, बेसिक फॉर्म होगी, क्योंकि पीएच 9 पे सीओएच विल गेट कन्वर्टेड टू सीओ माइनस, और ये जो एनएच 3 प्लस है ये दोनों में इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी 50% एनएच 3 प्लस रहेगा और 50% एनएच 2 रहेगा। तो 50% बेसिक फॉर्म हो गई और 50% जो हुआ वो कौन सा आयन हुआ, ज्विटर आयन हुआ। अब इमेजिन कीजिए, मान लीजिए हम 2 से धीरे धीरे पीएच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पीएच की वैल्यू 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो पीएच की वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये एसिडिक फॉर्म कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए पीएच की वैल्यू हमने 4 कर दी, लेट अस से पीएच इज इक्वल टू 4, तो अगर पीएच की वैल्यू 4 है तो पीके 1 जब 2 होगा तो 4 उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में सीओएच की बेसिक फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा सीओओ माइनस में। और देखिए एनएच 3 प्लस के रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में 4 जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक फॉर्म होगा, यानी ये एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी पीएच की वैल्यू जैसे जैसे 2 से हम क्या करेंगे, इंक्रीज करना शुरू कर देंगे अप टू 9, एक लिमिट आएगी जब क्या होगा, ज्विटरायन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी, वो कहीं मिड वे होगा, दैट इज द मिड वे ऑफ दीज टू पीएच वैल्यूज, क्योंकि उसके बाद कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी, बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। तो अब ध्यान दीजिए 2 से लेके एक मिडवे है, यहां तक एक मैक्सिमा आएगा किसका, ज्विटरायन का, जिससे पहले एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगी और जिसके बाद कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी, बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, और बीच में एक वैल्यू आएगी जहां पे ज्विटरायन डोमिनेट करेगा, जिसमें एसिडिक फॉर्म और बेसिक फॉर्म का दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए अगर हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो हम इन दोनों की पीके वैल्यू का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, पीके 1 और पीके 2 को ऐड करते हैं और इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। यानी इस केस पर्टिकुलर केस में अगर हम पीआई की वैल्यू निकालें तो ऐसे केस में वो वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, यानी 5.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम में इफ आई अप्लाई द पीएच ऑफ 5.5 तो इस वैल्यू पे जो ज्विटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा एंड रिलेटिवली एसिडिक एंड बेसिक फॉर्म बहुत ही कम होगी। अब इसमें दो केसेस और आते हैं, ये है केस नंबर ए, ये है केस नंबर बी। अगर इस केस में मुझे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो ये एन एस थ्री प्लस है इसका पी के वैल्यू मान लेते हैं पी के वन, और इसका मान लेते हैं लेटर से पी के टू, और सी ओ एच का मान लेते हैं पी के थ्री। तो ऐसे केस में जो सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप होंगे यानी जो मेजॉरिटी ग्रुप्स होंगे उनको ही एवरेज आपको लेना होगा, आपको तीनों का एवरेज नहीं लेना है, आपको पी के वन प्लस पी के टू का ही एवरेज लेना होगा। जैसे अगले केस में अगर हम बात करें तो लेट अस से इस सी ओ एच ग्रुप का पी के वैल्यू पी के वन है, इस सी ओ एच ग्रुप का पी के वैल्यू पी के टू है, और इसका वैल्यू पी के थ्री है। तो इस केस में मेजर जो है वो कौन है, सी ओ एच है, तो एन एस थ्री प्लस को हम इग्नोर करेंगे और इस केस में जो पी आई की वैल्यू आएगी वो सी ओ एच के पी के का एवरेज आएगा, पी के वन प्लस पी के टू डिवाइड बाई टू। हमने इसको इग्नोर किया जैसे पिछले केस में हमने सी ओ एच को इग्नोर किया। तो आइए स्टूडेंट्स लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न्ड सो फार। सबसे पहले आपने देखा ज्विटराइन होता क्या है, आपने देखा अमीनो एसिड तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, वन ऑफ देम इज एसिडिक, अदर इज बेसिक एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल एम्फोटेरिक फॉर्म, जिसमें एसिडिक बिहेवियर भी होता है बेसिक बिहेवियर भी होता है, जिसमें नेट चार्ज क्या होता है जीरो होता है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। हमने क्या बात की कि पीएच की वैल्यू जब बहुत कम होगी एसिडिक मीडियम में एसिडिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, जब पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो बेसिक मीडियम में बेसिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और जब पीएच की वैल्यू मिडवे कहीं ना कहीं होगी तो ऐसे केस में न्यूट्रल फॉर्म विल डोमिनेट, दैट इज ज्विटराइन फॉर्म। फिर हमने जाना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में, आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब होता है सेम चार्ज, यानी ज्विटराइन फॉर्मेशन होने में कॉन्सेंट्रेशन जब ज्विटराइन का मैक्सिमम आएगा उसको बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उस समय पे पीएच की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं पीआई। वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रुप्स हमारे हैं उनकी पीके वैल्यूज का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड की बजाय यहाँ पे नंबर ऑफ एन एस थ्री प्लस ग्रुप ज़्यादा है या नंबर ऑफ सी ओ एच ग्रुप ज़्यादा है तो ऐसे केस में पी आई निकालने के लिए किस किस का एवरेज लिया जाता है। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।